जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिकली कोई भी चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये वाला चैप्टर करने से पहले आपको इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बेसिक्स के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा अच्छी तरह देखिएगा वीडियो को, और कोई डाउट हो तो आप एज ऑलवेज मालूम है आपको बता सकते हैं हमारे, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल और ज्योमेट्री को मिला के बना गया है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली एज ऑफ क्लास टेंथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो लगेगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, ए बी एम सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कोई एंगल ले ले थीटा, कोई भी एक एंगल जो हम ले लेते हैं थीटा, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला जो एंगल ले लिया ना स्टूडेंट, ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ये वाला एंगल क्या है थीटा। इसको हम इससे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा क्यू होता है और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम थीटा कहते हैं। कोई भी पर्टिकुलर एंगल आपकी जो इच्छा हो ले लीजिए, जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स को थीटा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इसको थीटा लिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम सब जानते हैं कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो तो क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब जो मेरा एंगल है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड, जो मेरा एंगल है उसके जो ठीक सामने वाली साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हम सब जानते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और वहीं पे जो हमारा नीचे वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं बेस। ये है मेरा बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे तीन सरसद्ध ट्राइंगल के नाम से रिप्रेजेंट होते हैं। अब हमारे को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे को मालूम होना चाहिए कि एक पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम में एक रिलेशन होता है जो क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम जो रिलेशन कहता है वो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा ना वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये होता है हमारा पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। जनरली अगर हमारे को किसी भी ट्राइंगल की दो साइड गिवन होती है तो ये वाला तीसरी साइड निकालने में काम में आता है। अब अगर मैं देखूं इसके अंदर, तो मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फुल फॉर्म होती है, लेकिन हम एज अ होल नाउ अभी उसको एज अ शॉर्ट फॉर्म ही जानते हैं जनरली, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हमारे पास जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो होते हैं छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले और सबसे बढ़िया रेशियो जो है वो है हमारा साइन थीटा। दूसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तीसरा वाला हो जाएगा हमारा टैन थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा सेक थीटा। और फिर लास्ट हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जनरली। अब कौन सा रेशियो किस साइन का रेशियो होता है याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लाइन बनाई गई है। जो सिंपल लाइन है वो क्या है देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा। सिंपल लाइन है पंडित, पंडित का पी, बद्री, बद्री का बी और प्रसाद का पी। यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये बेसिकली एक लाइन बनाई गई है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री की और रिलेशन याद रखें। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अब आप देखेंगे जो हमारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम इसी के सीरियल ऑर्डर पे लिख देंगे। तो ये तो आ जाएगा मेरा साइन, ये आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा मेरा टैन, ये आ जाएगा मेरा कॉट, ये हो जाएगा मेरा सेक और ये हो जाएगा मेरा कोसेक। तो इस तरीके से हमारे छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चलते हैं। अब आप देख रहे हैं इससे क्या समझ में आया हमारे, इससे समझ में आया कि जो मेरा साइन एंगल है वो तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखा आपने, साइन एंगल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो टैन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपने देखा कि कॉट नीचे तो उसके बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और सिमिलरली कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने देखा कि कैसे एक सिंपल रिलेशन से हम छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो बता सकते हैं कि क्या क्या चीज होती है। ये और भी तरीके से आप याद कर सकते हैं हमारे लिए तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। अगर आपको और भी कोई तरीका मालूम है ये याद करने का तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कमेंट करके हमारे को बताएं। अगर ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी ए सी। तो यानी साइन थीटा को हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हमारा ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस, जो बेस है मेरा वो है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा ए सी। सिंपल टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस हो जाएगा बी सी। फिर इसका उल्टा हो जाएगा ये बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। फिर sec थीटा जो हाइपोटेनियस हो जाएगा AC अपॉन BC। एंड सिमिलरली cosec थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB। अब स्टूडेंट्स क्या क्या कोई ऐसी चीज भी होती है जो इन आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन देती है? जी हाँ बिल्कुल सही, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में भी रिलेशन होता है। अब एज ऑफ नाउ इन सी एम सी यहाँ पे चित्रांग मैथ्स क्लासेस में हम ये जो दो रेशोज हैं, ये जो दो रेशोज हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, इनको बच्चे बोलते हैं, बच्चे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, हमारे लिए बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे लिए क्या है, बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये दोनों बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बच्चे हो गए, बच्चे में सारे क्या हो गए, बड़े हो गए। ये जैसे सीएमसी में होता है, मैथ्स में नहीं बोलते हैं इनको, हमने थोड़ा सा मैथ्स को थोड़ा फनी बनाने के लिए सब चीजें कर रखी है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों को तो ऐसे चीज रहने देंगे, बच्चों में कोई भी चीज नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर हम टैन थीटा लें, अगर हम टैन थीटा लें तो आप देखेंगे कि टैन थीटा का जो मतलब होता है, जो मेरा टैन थीटा होता है, तो मेरा टैन थीटा का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपने देखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच करूंगा, एच से एच की नमस्ते हो जाएगी तो पी अपॉन बी बचेगा, इट मींस इट इज टैन थीटा। तो टैन थीटा के अगर कभी भी मैं बोलूं मेरे आपके आने वाले अपकमिंग वीडियोस में कि टैन थीटा को बच्चों में बदल दो, तो टैन थीटा को बच्चों में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लीजिए। वैसे सिमिलरली कॉट का हो जाता है, तो कॉट जो हो जाता है स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इट मींस साइन और कॉट एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। तो अगर मैं चाहूं तो टैन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकता हूं और कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो गए। अब sec मैंने देखा जो sec थीटा होता है, sec थीटा का जो बच्चे में कन्वर्जन होता है वो होता है 1 अपॉन cos थीटा। आपने देखेंगे तो ये cos का एग्जैक्टली अपोजिट है, cos जो था वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। और वैसे ही लास्ट में मेरा cosec थीटा, तो जो मेरा cosec थीटा हो जाएगा वो sin थीटा में बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब sin थीटा का उल्टा होता है, ये p अपॉन h है और ये h अपॉन p है। तो बेसिकली ये एक तरीके से मेरा जनरल कंसेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आपको ये पसंद आया हो, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।